दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 मार्च से अनशन पर बैठने जा रहे हैं। हालांकि जगह तय नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि पूर्ण राज्य नहीं होने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे, इसलिए अब तरीका यही है कि अनशन किया जाए और पूर्ण राज्य के लिए केंद्र से मांग की जाए। लेकिन पूर्ण राज्य की मांग के मुख्यमंत्री के धरने के खिलाफ अब DTC के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने भी उनके सामने ही प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया। हमारे साथ DTC कर्मचारी यूनियन के वाल्मीकि झा हैं। वाल्मीकि जी, क्या आप लोग भी उसी दिन साथ साथ प्रोटेस्ट करेंगे? CM साहब ने जो दिल्ली की जनता को बताया कि मेरे पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, मैं पूरे काम नहीं कर पा रहा, लेकिन CM साहब के हाथ में जो पावर है वो काम कर सकते थे, दिल्ली के कर्मचारियों को समान काम समान वेतन दे सकते हैं, नौकरी से निकालने की पावर दिल्ली के CM साहब के पास है। कर्मचारी जब आंदोलन करे, अपनी मांग को उठाए, तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, अपनी आवाज़ को दबा दिया जाता, उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। तो इस तरीके का जो शोषण किया जा रहा है उसके खिलाफ हम दिल्ली सरकार को बताना चाहते हैं, जो आपके हाथ में पावर है पहले उसे कीजिए, उसके बाद आप पूर्ण राज्य की मांग कीजिएगा, नहीं आप लोग क्या करेंगे? हम CM साहब के बिल्कुल अपोजिट, जहां CM साहब अपने धरना की घोषणा करेंगे, हम बिल्कुल उसके सामने अपने धरना को करेंगे और उनको दिल्ली की जनता को भी दिखाएंगे कि जो उनके हाथ में पावर है वो पूरा काम नहीं किया जा रहा है, तो अन्य पावर देने का क्या फायदा? क्या आपको लगता नहीं कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, मुख्यमंत्री के पास सर्विसेज डिपार्टमेंट हो, लैंड हो, पुलिस हो, तो वो और ज्यादा मजबूती से आप लोगों के, आपको भी जो परमानेंट करने की बात है वो कर पाएंगे? मेरे अनुसार जिस तरीके का शोषण कर्मचारियों पर किया जा रहा है, अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तो CM साहब अपने शोषणों को बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से DTC को प्राइवेटेशन की ओर धकेला जा रहा है, क्लस्टर बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है, DTC की बसें नहीं लाई जा रही, अगर पूर्ण राज्य का दर्जा इनके हाथ में पावर मिल गई तो पूरी DTC को ये बेच देंगे, अन्य डिपार्टमेंट को भी इसी तरह बेचने की तैयारी की जा रही है। तो मतलब कि ये ऐसा आपको ठीक लगेगा कि मुख्यमंत्री धरना देने जा रहे हैं आप लोगों के नाम पर नहीं, और उसके सामने ही आप लोग भी धरना दें? सही तो परमिशन मिले या ना मिले, लेकिन हम उनके खिलाफ वहां सामने खड़े होंगे, और हम चाहते हैं अगर दिल्ली के CM साहब, अगर दिल्ली की बात करते हैं, कर्मचारियों की बात करते हैं, तो कर्मचारियों को जिनको नौकरी से निकाला है आवाज उठाने के लिए, अगर मांग पे आवाज उठाने पे नौकरी से निकाला जाता है, तो हम ये भी दरखास्त करेंगे LG और प्रधानमंत्री जी से कि CM साहब को भी नौकरी से निकाला जाए, क्योंकि वो एक CM पद पर कर्मचारी है, और अगर वो उस दौरान आंदोलन करते हैं तो आंदोलन में अगर कर्मचारी को टर्मिनेट किया जाता है जो CM साहब ने किया, तो उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, उनको भी टर्मिनेट किया जाना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ कि पहले जब मुख्यमंत्री ने आंदोलन किया था, धरना दिया था, तो आप लोग भी उनके साथ साथ खड़े थे, अब विरोध में खड़े होंगे, तो क्या लगता नहीं कि थोड़ा सा उधर भी मामला खराब होगा? हो सकता है CM साहब को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा, और हालांकि उठाना पड़ रहा है कि हम लोग दिल्ली की जनता से भी और दिल्ली के सभी विभागीय कर्मचारियों से अपील कर रहे हैं कि लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़े नुकसान के साथ उन्हें हमें नुकसान पहुंचाना है, और हम आने वाले समय में भी घोषणा कर रहे हैं, यदि CM साहब अगर हमारे उसी आंदोलन में जब उनके सामने आंदोलन कर रहे होंगे, यदि वो घोषणा कर देते कर्मचारी को नौकरी पर वापस रख लिया जाता है, समान काम समान वेतन के ऑर्डर जो उनके हाथ में वो दे दिए जाते हैं, तो उसी आंदोलन में हम उनके साथ समर्थन में भी उतरेंगे। एक बात आप बोले कि आप लोग अनशन पर थे, धरने पर थे, तो आप लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, तो मुख्यमंत्री को भी जो है वो, हाँ यही मांग, क्योंकि मुख्यमंत्री भी तो एक कर्मचारी है, कर्मचारियों ने चुना उनको, अब CM पद पे दिल्ली सरकार के अंदर एक कर्मचारी पद पे ही तो कार्य रहते हैं, या तो वो अपना इस्तीफा दें, इस्तीफा देने के बाद इलेक्शन में या आंसर करें, और यदि इस्तीफा नहीं देते हैं और वो आंदोलन पे बैठते हैं, तो प्रधानमंत्री या LG को भी जिस तरीके से हमें निकाला गया जिन संविधानों के तहत, उनको भी निकाल दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी यूनियन से वाल्मीकि झा, जिनका कहना है कि ये लोग अपनी मांगों को लेकर DTC मुख्यालय के बाहर धरना दे रहे थे, अनशन पर थे, लगातार अनशन पर थे, मांगें नहीं मानी गई, नौकरी से निकाल दिया गया, तो ठीक उसी तरह मुख्यमंत्री भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो भी सैलरी ले रहे हैं, सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, तो उन्हें भी अगर धरना ही देना है, राजनीति ही करनी है, तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए, या फिर प्रधानमंत्री या LG उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाएं, ऐसी मांग कर्मचारी यूनियन की ओर से की जा रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ मैं भी सुजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए।